आज हम सोल्व करेंगे एक और गेट 2014 का क्वेश्चन, इंजीनियर मैकेनिक्स का। तो क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है जिसको एक सरफेस पे रखा गया है और उस वो कितने 45 डिग्री के ऊपर, वो जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से उसका 45 डिग्री है। तो क्या कह रहे हैं, वो इनिशियली तो स्टेशनरी है पर वो जब थोड़ी देर बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मूव करना स्टार्ट कर देता है तो पर जो सरफेस है वो रफ है, तो उनके बीच का उन्होंने क्या दिया हुआ है, डायनेमिक फ्रिक्शन 0.5। और बोल रहा है कि मूव करते करते जो ब्लॉक है वो 20 मीटर की स्पीड अटेन कर लेता है। तो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो 20 मीटर की स्पीड अटेन करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स इस डायरेक्शन में, अब इस सरफेस पे रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, एंगल वो 45 है तो ये वाला 45 है, तो हम इसको इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा, और थीटा थीटा है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, सो नेट फोर्स अब हम इस डायरेक्शन में देखेंगे जिस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है। सो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो है म्यू इनटू आर एन, आर एन कितना है एम जी कोस 45। सो एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी कोस 45 इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा, कितना आएगा, जी साइन 45 माइनस म्यू कोस 45 डिग्री। तो देखेंगे 9.81 वन बाय रूट टू माइनस 0.5 इंटू में वन बाय रूट टू। सो जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 3.468 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई। अभी हमें एक्सेलरेशन नहीं, हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो यहाँ से यहाँ तक। सो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि उस ब्लॉक ने यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस ट्रेवल की। जब यहाँ से चला था तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पहुँचते पहुँचते उसने कितनी अटेन कर ली, 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस एस चला है। तब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या वो क्या है, वो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू 2as। यहाँ पे ये 0 है, वी हमारा 20 है तो वी स्क्वेयर हो जाएगा 400 इजकल टू 2 इंटू ए हमारा था 3.468 468 इंटू एस। सो हमारा एस आ जाएगा 57.667 मीटर। ये हमारा आंसर होगा।